ब्रांच टीम ने एक बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस ने सुपारी लेकर हत्या का षड्यंत्र रचने वाले 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से बड़ी मात्रा में हथियार भी बरामद किए गए। आरोपी पेट्रोल पंप पर डकैती की योजना बना रहे थे, साथ ही हत्या की वारदात को भी अंजाम देने वाले थे। पुलिस विभाग के आला अधिकारियों की माने तो सभी आरोपी सुपारी लेकर हत्या की वारदात करने वाले थे। इसके साथ ही आरोपी पेट्रोल पंप पर डकैती डालने की योजना भी बना रहे थे। इसी बीच पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि आधा दर्जन लोग एक स्थान पर हथियारों के साथ बैठे हैं, जो किसी वारदात को अंजाम दे सकते हैं। पुलिस की माने तो खुड़ैल क्षेत्र का नामी बदमाश जितेंद्र यादव ने एक योजना बनाई थी, जिसमें वह उसके भाई के हत्यारे की हत्या करवाना चाहता था, जिसके लिए उसने बकायदा जिला बॉर्डर का केस झेल रहे हबला असलम राउफ मुख्तियार और अमजद खान को तैयार कर लिया था। जितेंद्र यादव ने हबला सहित अन्य आरोपियों को सीधे पिस्टल से मारने पर 10 लाख रुपए टू एक्सीडेंट कर मारने पर 5 लाख रुपए देने का वादा किया। सुपारी लेकर हबला ने जितेंद्र यादव और अपने साथियों के साथ फरारी काटने के लिए रुपयों की आवश्यकता पड़ने पर हत्या के पहले पेट्रोल पंप लूटने की योजना बनाई। सभी आरोपी कंपेल रोड पर स्थित गोपाल किसान सेवा केंद्र पेट्रोल पंप पर हथियारों के साथ बैठे। इसी दौरान पुलिस टीम ने सभी को धर दबोचा, जिसके बाद उनके हथियार और सुपारी पेश की रकम 29,000 रुपए जब्त किए। अब पुलिस आरोपियों को न्यायालय में पेश कर रिमांड लेकर पूछताछ करेगी। क्राइम ब्रांच ने एक बड़ी कार्रवाई की है। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक इंदौर जोन के द्वारा जो संगठित अपराधों के खिलाफ कार्रवाई के लिए जो मुहिम चल रही है, उसमें एक सूचना पर कि खुड़ैल में कंपेल रोड पे एक पेट्रोल पंप पे बदमाश किसी अपराध की नियत से जमा है, क्राइम ब्रांच की टीम के द्वारा वहां पे घेराबंदी करके उनको पकड़ा गया। 6 बदमाश वहां पकड़े गए, जो कि चंदन नगर खजराना और देवगुराड़िया के पास के थे। जब उनके पास मैं असलह के उनको पकड़ा गया, उनसे पूछताछ की गई, तो एक सुपारी लेके एक हत्या करने की स्टोरी का कहानी का पर्दाफाश हुआ, जिसमें ये जानकारी में आया कि आरोपियों में से एक व्यक्ति जितेंद्र के भाई की हत्या 13/5/2017 को हुई थी खुड़ैल क्षेत्र में, जिसपे से 302 का अपराध पंजीबद्ध हुआ था, और कपिल पटेल नाम का व्यक्ति इसमें जो आरोपी था वो इसमें गिरफ्तार हुआ था। तो जितेंद्र जिसके भाई की हत्या हुई थी, उसने इसमें षड्यंत्र पूर्वक कुछ बदमाशों को, जो कि हार्डकोर क्रिमिनल हैं, जिन पे 15-15, 20-20 अपराध हैं, हत्या के भी पूर्व से अपराधी हैं वो, उनको इसने हायर किया और उनके साथ बैठ के इसमें षड्यंत्र किया गया, जिसमें गोली से मार के हत्या करने पे 10 लाख रुपए, और अगर गोली मारने का अवसर नहीं मिल पाया और एक्सीडेंट करके अगर हत्या की गई तो 5 लाख रुपए में बात तय हुई। इस पर से पूरी विवेचना की गई, और जो पूर्व जो उनके द्वारा जिस व्यक्ति की हत्या के बारे में, अपने भाई की हत्या के में बताया गया था, उसके पूरा रिकॉर्ड से उसकी तस्दीक की गई,